हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं बिरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बिरेंद्र भैया ब्लॉग। दोस्तों, अभी हम हैं जट डुमरी रेलवे स्टेशन के पास और यहां से हम अपना सफ़र शुरू करते हैं दोस्तों, जो कि हमारा सफ़र रहेगा जट डुमरी रेलवे स्टेशन से नदमा तक का। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम यहां से रवाना हो चुके हैं दोस्तों, जट डुमरी स्टेशन से रवाना हो चुके हैं और रोड का कंडीशन आपको दिखाते चलते हैं। तो देखिए, ये जो है अभी तक रोड बना नहीं है, अभी वैसा ही है दोस्तों, तो जल्द ही ये काम पीच का हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ रोड अच्छा है और कहाँ रोड ख़राब है। तो रात में आप लोग जब सफ़र के लिए निकलेंगे दोस्तों, तो बहुत ही परेशानी होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अभी हम लोगों को इसी रोड से जाना पड़ेगा, क्योंकि पटना गया डोभी हाईवे जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो यहाँ जट डुमरी के पास अभी बन रहा है दोस्तों, इसलिए हम सभी को इसी रोड से अभी जाना पड़ेगा। और जब वो फाइनल हो जाएगा तो दोस्तों इस रोड को बनाया जाएगा। दोस्तों, हम जो है जट डुमरी रेलवे स्टेशन से नदमा तक के पूरा ताज़ा अपडेट देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हाई रोड पर देखिए धूल गर्दा बहुत उड़ता है, क्योंकि अभी रोड बना नहीं है दोस्तों, बहुत ही परेशानी होता है इस रोड से जाने में, जैसा कि आप जानते ही हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाएं तो देखिए अंडरग्राउंड बनाया गया है, जो कि ट्रेन जो है ऊपर ऊपर चले जाए और गाड़ियाँ जो है नीचे नीचे चली जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों, अभी जो है हम लोग ये पुराने वाले रोड पर ही चल रहे हैं और कहाँ पर हाईवे पर हम लोग चढ़ेंगे वो वीडियो में देखिए, आगे हमारे साथ बने रहिएगा, आपको हम दिखाते हैं। क्योंकि अभी जो है ओवर ब्रिज यहाँ पर बना नहीं है, इसलिए हम लोग पुराना वाला रोड से ही चलेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ओवर ब्रिज पर चढ़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों, जो कि पोटही से पहले ये जो है बनाया गया है दोस्तों। तो यहां से हम चढ़ेंगे ऊपर, क्योंकि यहां से
पटना गया फोर लेन बना हुआ है दोस्तों, पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी जो है फोर व्हीलर ये सब जो है चली जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हमने अपना गाड़ी जो है घुमा लिया है और जो भी गाड़ी आ रही है जा रही है यहाँ से आप चढ़ कर फोर लेन पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम फोर लेन पकड़ लिए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरफ आपको फोर लेन का कंडीशन दिखाएं तो दोस्तों बिल्कुल सही है, बना हुआ है, सब ओके है दोस्तों, पिच किया हुआ है और डेंटिंग पेंटिंग का भी काम किया हुआ है और डाइवर्सन भी कंप्लीट है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर रोड बन रहा है और कहाँ अभी बाकी है। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अब बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर अभी काम चल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि रोड एकदम शानदार बना हुआ है और ये देखिए फोर व्हीलर गाड़ी जो है कितना स्पीड में जा रही है, क्योंकि अब जो है कोई रुकावट नहीं है। गया पटना फोर लेन पर जब भी गाड़ियां चलेगी तो बहुत स्पीड में चलेगी। और यहां पर आपको दिखाएं तो दोस्तों यहां देखिए घेरा हुआ है, काम बाकी है यहाँ पर, जो कि हम राइट साइड वाले लेन पर चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, फोर व्हीलर आराम से निकल जाएगी। तो वहाँ पर जो है उस लेन पर दोस्तों थोड़ा सा अभी काम बाकी है, इसलिए जो है हम लोग ए लेन पकड़ कर निकल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखाएं तो ओवर ब्रिज कंप्लीट है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि कहाँ पर रोड ख़राब है और कहाँ पर अच्छा है। क्योंकि दोस्तों रात में जब आप लोग आएंगे ना तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ देखिए घेरा हुआ है दोस्तों, क्योंकि उस लेन पर अभी काम बाकी है और यहाँ पर भी घेरा हुआ है दोस्तों। तो आगे हम फिर से लेफ्ट लेंगे, तो लेफ्ट से ए लेन पर हम आ गए और इसी लेन से आगे चलेंगे, क्योंकि अब उस लेन पर काम बाकी है दोस्तों। तो जहाँ तहाँ अभी काम बाकी है, पूरे तरह से फाइनल नहीं है फोर लेन का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि राइट साइड वाले जो लेन है उस पर अभी पिच नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट साइड वाले लेन पर अभी काम चल रहा है दोस्तों, जो है मिट्टी को गिट्टी उट्टी को अभी बराबर किया जा रहा है, फिर जो है इस पर पिच का काम शुरू होगा। तो अभी हम लोग जो है लेफ्ट वाले लेन पर ही चलेंगे दोस्तों, क्योंकि राइट में अभी काम चल रहा है। तो जहाँ तहाँ दोस्तों अभी काम बाकी है,
तो रात बिरात में आप लोग आएंगे तो आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है नदमा पहुंचने वाले हैं, और यहां पर आपको दिखाएं तो बिल्कुल रोड जो है कंप्लीट है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियां स्पीड में आ रही है जा रही है और रोड का काम कंप्लीट है इधर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको पहुंचते हैं नदमा। तो नदमा तक का हमारा सफ़र रहेगा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़ारा आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको नदमा में जो विजय डेयरी है दोस्तों, वो जो है 4 लेन पर आ चुका है। तो आप लोग जब भी जो है दोस्तों गया पटना या तो पटना से गया जाएंगे तो एक बार अवश्य विजय डेयरी के पास ज़रूर पहुँचें। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नदमा, और नदमा का ये रोड जो है देखिए कितना शानदार एकदम बना हुआ है। नदमा तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए सामने आपको दिखा रहे हैं, ये नदमा स्टेशन रेलवे स्टेशन है दोस्तों आगे में। और इस तरफ आपको दिखाएं तो दोस्तों देखिए जो विजय डेयरी जो है पहले पुराने वाला रोड में था दोस्तों, वो जो है हाईवे पर आ गए हैं, और यहाँ जो है बहुत ही अच्छा डेयरी है दोस्तों, खाने पीने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।